दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता पर सीबीआई और ईडी को ऐसा सुनाया कि इस बार इनके अधिकारियों को इतनी शर्म आनी चाहिए और उसके बाद उनको काम उसी के मुताबिक करने चाहिए। हालांकि पिछले काफी लंबे वक्त से कोर्ट इनको सुनाता है, ये सुनते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं। सरकार के कंट्रोल में सीबीआई और ईडी इस तरह से हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो इन अधिकारियों को खुद ही पता नहीं लगता है, क्योंकि जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है आप उसी की जी हजूरी में लग जाते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी के कविता को जमानत दे दी। सर्वोच्च अदालत ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए ईडी और सीबीआई को फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी के कविता को जमानत दी। सर्वोच्च अदालत ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए ईडी और सीबीआई को जब फटकार लगाई, मार्च के मध्य से ही जेल में बंद के कविता को कुछ शर्तों के साथ जेल से आजाद किया गया। और कोर्ट ने गवाह को लेकर एक अहम टिप्पणी की और कहा कि अभियोजन निष्पक्ष होना चाहिए। कोर्ट ने कहा यह स्थिति दुखद है। एक गवाह के बयान के संदर्भ में अदालत ने कहा, क्या आप किसी को भी पिक एंड चूज करेंगे? कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने खुद को दोषी ठहराया उसे गवाह बना दिया। बेंच ने कहा कि अभियोजन निष्पक्ष होना चाहिए, आप इस तरह की किसी भी पिक एंड चूज किसी को नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो क्या ये निष्पक्षता है? जिस व्यक्ति ने खुद को दोषी बताया आपने उसको गवाह बना दिया। अदालत ने आगे कहा, कल को आप किसी को भी आरोपी बना दोगे और किसी को भी छोड़ दोगे? बहुत ही निष्पक्ष और तर्कसंगत विवेक। सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जब कुछ गवाहों का हवाला दिया जिन्होंने के कविता को कथित घोटाले में शामिल बताया था, अदालत ने कहा कि वो जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर टिप्पणी के लिए विवश होगी। कोर्ट ने कहा, यदि आप टिप्पणियां चाहते हैं और ज्यादा बहस करिए फिर। इससे पहले के कविता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दायर की जा चुकी है। एजेंसियों के वकील ने दावा किया कि के कविता ने अपने फोन को नष्ट कर दिया, जो कि सबूतों से छेड़छाड़ के बराबर है। रोहतगी ने आरोपों को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि राजनेता ने अपना पुराना फोन स्टाफ को दे दिया था और खुद नया फोन ले लिया था। के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया और 27 अगस्त को वो जमानत पर 5 महीने के बाद बाहर आ गई हैं। बड़ा सवाल ये है कि के कविता को जिस तरह से अरेस्ट किया गया था और जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, उसके बाद चिंता की बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो कुछ भी फैसले सीबीआई और ईडी की तरफ से हो रहे हैं वो आनन फानन में है। जिस बात को उन्होंने सबूत के तौर पर समझा वो महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को जब जमानत मिल गई है 5 महीने बाद, अब इस मैटर को समझिए क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के बेल बाउंड पर उन्हें जमानत दे दी है, कुछ शर्तें भी लगाई हैं। के कविता को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें यह भी कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश ना करें। के कविता को ऐसे समय पर जमानत मिली है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी 18 महीने बाद इसी महीने कैद से आजाद कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कविता को जमानत देते हुए यह भी साफ किया कि मैरिट पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है ताकि ट्रायल पर इसका कोई असर ना हो। के कविता करीब 5 महीने से जेल में बंद थी और सीबीआई ने सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह के कविता की भूमिका भी कथित शराब घोटाले में अहम बताई थी। जांच एजेंसियों ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीआरएस नेता के कविता ने मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया, उनके फोन के साथ छेड़छाड़ की गई,
वहीं के कविता ने कहा कि मोबाइल फोन फॉर्मेट करने के आरोप पूरी तरह फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा कि क्या सबूत है कि वो अपराध में शामिल थी, अभी तो यहाँ पर सबूत की बात हो रही है। के कविता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहितगी ने यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया था कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने दोनों मामलों में सह आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि के कविता को जिस तरह से आनंद फानन में अरेस्ट किया गया था, उस वक्त लगातार चुनाव का माहौल चल रहा था, चुनाव की इन पूरी कवायद के बीच में जो कुछ भी हुआ था उससे ये साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उन्हीं दिनों हेमंत सोरेन के लिए भी इसी तरह की अरेस्टिंग होती है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी अरेस्टिंग होती है, के कविता के लिए भी अरेस्टिंग होती है। ये सब कुछ चुनाव को प्रभावित करने का एक अच्छी खासी लंबी कोशिश थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको इससे क्या मिला। चुनाव के नतीजों में साफ दिखाई दिया कि एडीआर की रिपोर्ट जो कहती है कि 5 करोड़ की वोट के आसपास में हेर फेर भी हुआ है, जिसका चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इतनी सारी कवायदे करने के बाद में, बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद में भी बीजेपी 240 पर आकर अटक गई। ये 240 के आंकड़ा आज भी बीजेपी को लगातार रोजाना चुभ रहा है। ऐसे में इन सबको जेल में डालने के बाद भी अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो बीजेपी को अपने सर्वे रिपोर्ट से ये जानकारी जरूर जुटानी चाहिए कि एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इस तरह के एक्टिविटी करने के बाद में क्या वाकई में अब जनता बीजेपी को उसी तरह से वोट करना भी चाहेगी जैसे पहला चाहती थी। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए ये तमाम तरह के पैतरे तो चल रही है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ऐसे में बीजेपी अब नुकसान की तरफ जा रही है बनस्पत की उसे इसका फायदा होता। अब अगर ईडी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से इतनी कड़ी फटकार लग गई है तो उसके बाद देखना ये होगा कि चुनाव के बाद में जो कुछ हवा बदल रही है तो ईडी सीबीआई के अधिकारी भी क्या अपना रुख बदल सकते हैं। कोर्ट की फटकार के बाद में इसको हवाला देते हुए बात को, क्या वो अपने बचाव में और अपनी साख के बचाव में कुछ कर सकते हैं, यहां पर ही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का असर पहले की तरह निष्क्रिय हो जाता है या फिर वाकई में अब सत्ता की इस कुर्सी पर काबिज पार्टी के जो हुक्मरान हैं वो कम से कम इस बात को सोचने पर मजबूर होंगे कि इस तरह के पैतरों से अब आगे उनकी दाल नहीं गलने वाली, बल्कि यहां पर दाल जल सकती है। अगर उन्होंने अभी भी इसको नहीं समझा, जो कि लोकसभा चुनाव में साफ नतीजों में दिखाई दिया जा चुका है, तो फिर आगे आने वाले चुनाव में इसका असर बड़ा दिखाई दे सकता है। और खुद बीजेपी के अलायंस अब जो रोज रोज उन्हें धमकाने के मोड में आ चुके हैं, जो कभी बोलते नहीं थे आज वो गुर्राने लगे हैं, अगर इन परिस्थितियों को देखे बगैर यहाँ पर बीजेपी ने खुद को वक्त से नहीं संभाला और एजेंसियों पर कथित दबाव जो है वो बनाना बंद नहीं किया, तो इसके असर एजेंसी के ऊपर क्या होंगे वो बात की बात है, लेकिन पार्टी के ऊपर तुरंत दिखाई देने वाले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह की और जानकारी आप हमसे चाहते हैं, क्या चर्चा आप हमसे चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, इसे लाइक जरूर करें और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।